अब ना ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगना होगा और ना ही अब जगह जगह धक्के खाने होंगे। नमस्कार, मैं हूं गोहित कौशिक और स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से और रेडक्रॉस सोसाइटी जैसी अन्य कई संस्थाओं के साथ से अब घर घर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचने लगे हैं। आइए दिखाते हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें गुरुग्राम की हैं, जहां अब घर बैठे ही लोग कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आपको oxygenhry.in पर रजिस्टर करना होगा और वेरीफाई होने के कुछ समय के भीतर आपके घर तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा दिया जाएगा। रेडक्रॉस सोसाइटी भी निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने में जुटी है। आज रेडक्रॉस सोसाइटी की टीम 48 मरला, सेक्टर 7 और अन्य कई जगह पर ऑक्सीजन के सिलेंडर देने पहुंची, जहां उन्होंने लोगों से खाली ऑक्सीजन सिलेंडर वापस लिए और उन्हें भरे हुए सिलेंडर प्रदान करे। कोविड मरीजों से खाली सिलेंडर लेते ही सबसे पहले उन्हें सैनिटाइज किया जाता है और फिर लोगों को पर्ची देकर पैसे कलेक्ट किए जाते हैं। वहीं लोग इसको बहुत ही अच्छी पहल के रूप में मान रहे हैं, लोगों को इससे फायदा भी हो रहा है। क्या ये पूरी एक तरीके से संस्था है और किस तरीके से आप लोगों की सहायता कर रहे हैं? एक्चुअली क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक ऑक्सीजन वितरण की प्रक्रिया शुरू करी गई है, क्योंकि लोग हॉस्पिटल में कम रह रहे हैं और घरों में ज़्यादा हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स में इतना स्पेस नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन और जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने एक सजेशन दिया हुआ कि जो कुछ हद तक अपने घरों में अपने आप को ठीक रख सकते हैं, तो उनको घर में ऑक्सीजन वितरित की जाए। तो ये डोर टू डोर ऑक्सीजन सर्विस है, जो रेड क्रॉस संस्था और विभिन्न सामाजिक संस्थाएं, वॉलेंटियर्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिल करके हम लोग डोर टू डोर लोगों के घरों में ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। मैम, लोग किस तरीके से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिलेंडर के लिए कौन सी उनको साइट पे जाना? इसमें एक हरियाणा ऑक्सीजन पोर्टल की साइट है, जिसमें वो लोग अपने आप को रजिस्टर करते हैं और उनकी पूरी उस पोर्टल में पूरी डिटेल डाली जाती है पेशेंट की। उनका ऑक्सीजन लेवल तक हम ऑक्सीमीटर में चेक करते हैं किस लेवल तक है। हम लोग प्रायोरिटी देते हैं 80 से 60 के बीच के लोगों को सबसे पहले ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद उनको देते हैं। कोशिश ये रहती है कि हम लोग एवरी डे टाइम टू टाइम लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाते रहें, ताकि लोगों की जान बचे और लोग कंफर्टेबल होकर अपने घर में अपना ध्यान रखें और जल्दी से ठीक हो जाएं। मैम, रजिस्टर करने के बाद कितने दिन में सिलेंडर मिल जाता है लोगों को? रजिस्टर करते ही हम लोग, हमारी वॉलेंटियर्स है जो हैं और जो संस्थाएं हैं हमारी, सबके सब मिला करके करीब 300 से ज़्यादा लोग हैं। तो हम लोग एवरी डे कोशिश करते हैं कि जैसे आज पोर्टल में आया तो हम शाम तक या अगले दिन सुबह तक उनके घर में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचा दें। और मैम, रोज़ाना कितने सिलेंडर आप दे रहे हैं, फिलहाल कितने की रजिस्ट्रेशन हो जाती है? रजिस्ट्रेशन अप्रॉक्सीमेट 100 से ऊपर ही होती है, 100 से नीचे तो रजिस्ट्रेशन अभी तक आई नहीं है, और एवरी डे हम लोग इससे ज़्यादा सिलेंडर लोगों के घर में पहुंचा रहे हैं। और मैम, रेट क्या तय किए गए हैं सिलेंडर्स के लिए? इसमें रेट्स ऐसा है, 350 रुपये हम लोग चार्ज कर रहे हैं बड़े सिलेंडर्स का, सिर्फ रीफिल के लिए, वो रीफिलिंग होती है, उसके अलावा हाँ सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है जो हम लोग उनके घरों में पहुँचा रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं जी। उससे पहले मेरी वाइफ अगर पॉजिटिव हुई हैं, वो सिर्फ इसलिए हुई हैं, उनका ब्रदर कोविड पॉजिटिव था, वो सिलेंडर के लिए भाग दौड़ कर रही थी, जाके ऑक्सीजन प्लांट से सिलेंडर का अरेंजमेंट कर रही थी, सुबह निकलती थी रात को घर घुसती थी, इस वजह से वो कोविड पॉजिटिव होगी, आज वो 8 दिन से। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की डोर टू डोर ऑक्सीजन की ये पहल बेहतरीन बताई जा रही है। ऐसी ही बड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।